बिहार के विजयनगर रोड सेदरिया स्थित खेल मैदान पर नगर परिषद की ओर से आयोजित पशु मेले की आड़ में हो रही गौ तस्करी पर विश्व हिंदू परिषद, सोल्जर गौ सेवा समिति और सनातनी गौ रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्यों ने आक्रोश प्रकट किया है। गौ तस्करी पर अंकुश लगाने और पशु मेले की आड़ में गौ तस्करी मामले की जांच करवाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद प्रसार विभाग सहित अन्य गौ सेवा समिति के पदाधिकारी जो थे उन लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने गौ तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। इसके पश्चात गौ सेवकों ने कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विगत कई दिनों से सेदरिया खेल मैदान पर पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गौ माता और नंदी को कृषि संवर्धन के नाम पर ट्रकों और पिकअप में बड़ी क्रूरता से भरकर फर्जी दस्तावेज बनाकर गौ तस्करी की जा रही है, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़कर गौशाला में छुड़वाया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि विगत लंबे समय से पशु मेले की आड़ में गौ तस्करी का स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण अब तक हजारों की संख्या में गौ तस्करी हो भी चुकी है। ज्ञापन में यह कहा गया कि बाहर से आए हुए गौ तस्कर पशु खरीदार बनकर मेले में आते हैं और उन्हीं के लोग गांव से नाथ नर गौवंश को गांव के ही सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उनको प्रलोभन देकर गाड़ियां भरवाकर अपने ही लोगों को पशु मेले के लिए रवाना पर्ची के साथ भेज देते हैं। यह कहा गया कि गौ सेवकों ने पशु मेले के